सो फाइनली दोस्तों सिंघम अगेन ने इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया। सिंघम अगेन के ट्रेलर दोस्तों एक दिन होने को हो रहा है, एक दिन भी नहीं हुआ अभी तक तरीके से, लेकिन दोस्तों जो व्यूज आए भाई 50 मिलियन व्यूज ट्रेलर पे, गाइस रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो BB3 ने 10 दिन में किया टीजर वो एक दिन में कर दिया, और मैंने कल यही बताया था आपको कि 24 घंटे के अंदर 50 मिलियन व्यूज हुआ एंड गाइस कंप्लीटेड 50 मिलियन व्यूज भाई साहब अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म। गाइस आपको बता दूं कि बुक माई शो पर तो भाई तबाही हो रही है, पेटीएम पे भी एडवांस बुकिंग काफी अच्छे चल रही है। गाइस एक बार फिर से तैयार हो जाओ, सिंघम अगेन भाई साहब बॉक्स ऑफिस को फाड़ रही है, सोशल मीडिया को हैंग कर दिया है, क्रैश हो गया एवरीवेयर। गाइस लाइक करना, कमेंट करना, एंड आपके लाइक कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं दोस्तों, तो प्लीज कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर करना। आइए शुरू करते हैं। सो गाइस लोगों मैं कुछ रिपोर्ट लेकर आया हूं। सबसे पहले आपको बता दूं भाई गूगल पे ट्रेंड कर रहा है। जी दोस्तों सर्च इंजन पे 50,000 प्लस गूगल पे ट्रेंड कर रहा है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो गाइस। इसके अलावा अभी 20 घंटे हुए हैं एंड आप बिलीव करो गाइस 20 घंटे में ये ट्रेलर दो प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ, यूट्यूब पे एक जियो स्टूडियो और एक रिलायंस एंटरटेनमेंट पे। सो 20 घंटे हुए हैं, 20 घंटे में दोस्तों जियो स्टूडियो पे 28 मिलियन व्यूज, 755 के यानी कि 755,000 लाइक एंड 53,000 कमेंट। उसके अलावा दोस्तों जियो स्टूडियो के प्लेटफॉर्म पे इतना आया हुआ है लगभग। इसके अलावा अगर बात करूँ रिलायंस एंटरटेनमेंट पे, तो रिलायंस एंटरटेनमेंट पे गाइस आपको बता दूँ 21 मिलियंस, मे बी 22 मिलियन हो चुका होगा ये, एंड आपको बता दूँ 29,000 लाइक्स एंड 335,000 लाइक्स एंड 29,000 कॉमेंट। गाइज आप बिलीव करो गाइज क्या ही हो रहा भाई, सोशल मीडिया हैंग हो गया दोस्तों। आपको बता दूँ कि बुक माई शो पे 163,000 क्रॉस कर चुका होगा एंड पेटीएम पे 100K। सिंघम की बात कर रहा हूँ, वहीं दोस्तों IMDb पे 44.3% सिंघम की बात कर रहा हूँ, वहीं भूलभुलैया 3 IMDb पर 10% एंड बुक माई शो पर दोस्तों अभी भी भूलभुलैया जो है 155 क्रॉस किया हुआ है। सो गाइस आप देख सकते हो कि इस ट्रेलर ने भाई साहब क्या ही आग लगा दिया है, ट्रेंडिंग कर रहा है भाई एवरीवेयर, ट्रेंडिंग एवरीवेयर, चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल प्लेटफॉर्म हो, बुक माई शो हो, IMDb हो, सोशल मीडिया पे हैशटैग ट्रेंड कर रहा है भाई। मतलब ये है भाई एक दिन में जो दिवाली पे जो धमाका दे दिया ना रोहित शेट्टी ने, गाइज साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बॉक्स ऑफिस के नंबर, बड़े बड़े ट्रेड क्रिटिक्स हो, बड़े बड़े सोर्सेज हो, बड़े बड़े मीडिया हो, सब ने ये बोल दिया है कि ये फिल्म जो है पावर पैक फिल्म है। इस फिल्म के अंदर आपको एक्शन, ड्रामा, इमोशंस, इस फिल्म में आपको मास कमर्शियली जो एक लोगों को चाहिए, जो ऑडियंस वांट, जो फैमिली देखना चाहती है, लाइक गदर जैसी फिल्म, तो दोस्तों ये गदर ही बचा रही है इसके ट्रेलर। और ये तो शुरुआत है, अभी रोहित शेट्टी से कंपेन कर रहे हैं। अभी आपको बता दूं दोस्तों कि कुछ पार्ट शूटिंग होगा, अभी चुलबुल पांडे की भी एंट्री है, उनके कुछ कैमियो के पार्ट शूट किए जाएंगे एंड मार्केटिंग एंड प्रमोशन अब चालू हो जाएगा बहुत जल्द दोस्तों। सिंघम अगेन के फिल्म मेकर बड़े बड़े टीवी चैनल पर जा जाकर इसकी प्रमोशन भी करेंगे एंड गाइस अभी लोहा गर्म है, तो रोहित शेट्टी अगर प्रमोशन करते हैं तो भाई दबा की फिल्म चलेगी, दबा की चलेगी। वहीं BB3 का इंतजार है दोस्तों ट्रेलर का। देखो यार ट्रेलर पर सब कुछ डिपेंड है एंड टीजर तो भाई आपको बता दूं कि डिसअपॉइंटेड था, बट ट्रेलर की उम्मीद की जा रही है कि ट्रेलर बहुत फाड़ू हो। एंड दोस्तों आपको बता दूं कि सिंघम अगेन में जैसे एनिमल में बॉबी देओल ने महफिल लूट ली मात्र 10-15 मिनट के प्रेजेंस में, वही दोस्तों अक्की यानी कि अक्षय कुमार फैंस तो बहुत खुश होंगे। आई नो दोस्तों आपको बता दूं कि अक्षय कुमार की एंट्री बहुत जबरदस्त बताई जा रही है, अक्षय कुमार की एंट्री को बहुत ही पॉजिटिव वे में लोग तारीफ कर रहे हैं। अक्षय कुमार जो एक 90s का अक्षय कुमार था, जो भाई हेलीकॉप्टर से एंट्री करता है, एंड गाइज आपको बता दूं कि वो अक्षय कुमार आपको इसमें देखने को मिला है, जो अली अब्बास जफर नहीं कर पाए वो रोहित शेट्टी ने करके दिखा दिया है। एंड अली अब्बास जफर ने ऑफ कोर्स लुक पे काम नहीं किया, लेकिन दोस्तों जो अक्षय कुमार का लुक आ रहा है ना, और जो एक स्माइल है, जो ईगो है फेस पे, एंड जो एक होना चाहिए एक्चुअल में अक्षय कुमार, वो अक्षय कुमार दिख रहा है टोटली दोस्तों गूज बम्स। सो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। एंड आपको बता दूं कि बहुत से लोग हेट भी कर रहे हैं सिंघम अगेन के इस कॉप यूनिवर्स को, बहुत लोग नेगेटिव तरीके से भी, कुछ छपरी लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भाई स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दिया कॉप यूनिवर्स में, किसी को भी घुसेड़ रहे। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं, उस पर क्या रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है सिंघम अगेन, एंड जिस हिसाब से हाइप और बज है, अगर ये कंटिन्यू रहा दोस्तों, अगर इसकी एडवांस बुकिंग 2 हफ्ते पहले शुरू कर दी, तो मैं कहता हूं गाइज धमाल मच जाएगा, एडवांस बुकिंग बहुत तगड़ी होने वाली है दोस्तों, बहुत तगड़ी होने वाली है। तो गाइज ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो, प्यार देते रहो। क्या लगता है कौन बाजी मारेगा सिंघम अगेन और BB3, कौन दोस्तों
इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस किसके ज्यादा होंगे, लाइफ टाइम कलेक्शन भी और प्रोडक्शन भी। कमेंट करो गाइज, भूल भैया 3 क्या सिंघम को पछाड़ पाएगी। गाइज प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अजय देवगन फैंस एंड सभी फैंस सब्सक्राइब करके प्यार देते रहो। थैंक यू सो मच गाइज।